Hello, my dear friends. Again, welcome to exam ideal family and daily vocab series. आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, रघुनंदन है. मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम प्रतिदिन कुछ साइनोनाइम्स, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ इडियम्स एंड फ्रेज को अपने वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए सीखते हैं. मित्रों, हमें आपसे एक निवेदन है कि आप इस वर्ड को केवल सीखेंगे, रटेंगे नहीं. इसे टर्म बाय टर्म करके हम केवल वर्ड को सीखेंगे, इसे रटना बिल्कुल मना है. ठीक है, हमें बस केवल इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, अच्छी तरह से कॉपी पर इसे लिखकर प्रैक्टिस भी कर लेना है, ताकि हमें ये अच्छा से याद हो जाए. इसे रटने से हमें ये इस पर पकड़ नहीं बन सकती है मेरे भाइयों. तो चलिए हम आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, जो कि है एवोरिजिनी. एवोरिजिनी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है आदिवासी या मूल निवासी. ठीक है, एवोरिजिनी का हिंदी अर्थ होता है आदिवासी या मूल निवासी, जो कि एक नाउन है. इसका साइनोनिम्स हो जाएगा फोक्स. फोक्स एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है आदिवासी या मूल निवासी. ठीक है, सेकंड इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स का भी हिंदी अर्थ हो जाएगा निवासी या मूल निवासी, जो कि ये भी एक नाउन वर्ड है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे है नेटिव्स. नेटिव्स भी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है आदिवासी या मूल निवासी. मूलतः इसे हम वैसे लोगों के लिए नेटिव्स का प्रयोग करते हैं जो किसी स्थान पर अपने जन्म से ही वहीं पर रह रहे हों, वैसे लोगों के लिए हम नेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं. ठीक है, पीपल. पीपल मतलब होता है पीपल का पेड़ नहीं. पीपल, पीपल मतलब लोग, मतलब किसी स्थान या प्रजाति के सभी पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों को सम्मिलित रूप से हम पीपल कहते हैं. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड सेकेंड आवर वर्ड इज एक्सीड. एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, ये तो आप जानते ही होंगे, स्वीकार करना या सहमत होना. ठीक है, एक्सीड एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकार करना या सहमत होना. ठीक है, इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा अग्री. अग्री एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है सहमत होना या स्वीकार करना, परंतु किसी बात को सहमत करना या स्वीकार करना. ठीक है, सेकेंड वर्ड है असेंट. असेंट जो है इसका प्रयोग हम नाउन की तरह भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं. ठीक है, असेंट का प्रयोग हम नाउन की तरह भी कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी कर सकते हैं. इसका मुख्यतः प्रयोग हम आधिकारिक तौर पर किसी बात या किसी फाइल को स्वीकृत करना या सहमत होने के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं. ठीक है, तीसरे की ओर लौटते हैं. तीसरा वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना, परंतु क्या स्वीकार करना, किसी वस्तु को स्वीकार करना. एक्सेप्ट का हिंदी अर्थ होता है स्वीकार करना, परंतु किसके सेंस में, किसी वस्तु के स्वीकार करने के सेंस में हम एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का भी हिंदी अर्थ होता है सहमत होना या स्वीकार करना, परंतु किसी बात से सहमत होना. ठीक है, उसके लिए हम कॉन्सेंट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आवर थर्ड वर्ड इज एमनिटीज. ठीक है, एमनिटीज एक नाउन वर्ड है. एमनिटीज एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सुख साधन या सुविधा. ठीक है, हिंदी वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सुख साधन या सुविधा. ठीक है, तो इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा कन्वीनियंस. ठीक है, कन्वीनियंस. कन्वीनियंस भी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सुख सुविधा, सुख साधन या सुविधा. थर्ड है फैसिलिटी. फैसिलिटी का भी हिंदी अर्थ होता है सुख साधन या सुविधा. ठीक है, एंड थर्ड वर्ड है सर्विस. सर्विस का भी हिंदी अर्थ होता है सुख साधन या सुविधा. ये तीनों के तीनों नाउन वर्ड हैं
तीनों का मतलब होता है सुख, साधन या सुविधा। लेकिन फैसिलिटी पर ज़रा हम ध्यान दें तो फैसिलिटी जो होता है प्लेस या इक्विपमेंट के रूप में जो सुख या सुविधा प्रदान किया जाता है उसे हम कहते हैं फैसिलिटी। सर्विस जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, आमतौर पर जो किसी सेना में हो, जो सेना में कार्य करते हो, तो जो सेना में कार्य करते हैं वैसे वैसे वर्ग को कहा जाता है सर्विस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा चौथा वर्ड है अपेंड। अपेंड मतलब होता है संलग्न करना या जोड़ना। अपेंड एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है संलग्न करना या जोड़ना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा आपके बीच ज्वाइन। ज्वाइन जो है इसका भी हिंदी अर्थ होता है जोड़ना। अटैच, अटैच मतलब भी होता है जोड़ना। ज्वाइन भी वर्ब है, अटैच भी वर्ब है। अटैच मतलब जोड़ना किसके अर्थ में, दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के जुड़ाव के बीच में हम अटैच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऐड। ऐड तो आप जानते हैं मैथ में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद है इंक्लूड। इंक्लूड जो होता है इसका भी अर्थ होता है जोड़ना या शामिल करना, मतलब किसी ग्रुप में कुछ पीपुल्स को जोड़ना। ठीक है, इसके अर्थ में हम क्या करते हैं, इंक्लूड का प्रयोग करते हैं, जिसका इसका एंटोनाइम्स होता है एक्सक्लूड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा पांचवा वर्ड जो है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज। कौन सा स्वराज? स्वराज ट्रैक्टर नहीं, स्वराज मतलब जो गांधी जी हम लोग को जो प्रदान करने किए हैं वैसा स्वराज। ठीक है, ऑटोनॉमी एक नाउन है। ठीक है, ऑटोनॉमी एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, स्वराज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा आपके बीच सॉवरेंटी। सॉवरेंटी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वराज। इंडिपेंडेंस तो आप जानते ही हैं। लिबर्टी, लिबर्टी भी एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वराज्य। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है, और सिक्स नंबर में हम चलते हैं। तो सिक्स नंबर में जो हमारा वर्ड है वो है कटैस्ट्रॉफी। कटैस सॉरी सॉरी सॉरी, सिक्स वर्ड में जो वर्ड है उस वो है कैटक्लिजम। हमारा सिक्स वर्ड में, हमारा सिक्स नंबर में वर्ड है कैटक्लिजम, जो कि एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है महाप्रलय। ठीक है, कैटक्लिजम जो कि एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है महाप्रलय। ठीक है, इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा, इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी भी एक नाउन है, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है महाप्रलय। क्लाइमिटी, क्लाइमिटी भी एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है दुखों से भरा, वो विपदा या प्रलय, ऐसे करके इसका क्लाइमिटी का अर्थ होता है। डिजास्टर, डिजास्टर भी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सिक्स नंबर तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सातवें नंबर पर। हमारा सेवन नंबर पर है कम्बस्टिबल, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है ज्वलंत या ज्वलनशील। ठीक है, फर्स्ट साइनोनिम्स इसका हो जाएगा एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव जो कि एक एडजेक्टिव है। बर्नेबल और इनफ्लामेबल ये दोनों भी एडजेक्टिव ही हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवें नंबर पर चलते हैं। तो हमारा एट नंबर पर है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस मतलब होता है विवादास्पद। कॉन्टेंशियस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है विवादास्पद। ठीक है, इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा आर्ग्यूएबल, आर्ग्यूएबल। ठीक है, सेकेंड वर्ड डिबेटेबल एंड थर्ड वर्ड कंट्रोवर्शियल। डिबेटेबल आप जैसे न्यूज़ टीवी न्यूज़ में देखते होंगे, डिबेट जो होता है उसी से बना है डिबेटेबल। ठीक
ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है विवादास्पद। ये भी एक एडजेक्टिव है, कंट्रोवर्शियल भी एक एडजेक्टिव वर्ड है एंड आर्गुएबल भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 9th नंबर पर। तो 9th नंबर पर हम लोग का वर्ड है डिसेमिनेट। ठीक है, डिसेमिनेट। डिसेमिनेट एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रसारण या प्रसारित करना। ठीक है, प्रसारण या प्रसारित करना। ठीक है, तो फर्स्ट सैनोनिम्स हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब भी होता है प्रसारित या प्रसारण करना। ये एक नाउन वर्ड है, इसका प्रयोग हम वर्ब के तरफ भी करते हैं। सर्कुलेट। सर्कुलेट एक वर्ब वर्ड है, ठीक है, इसका भी अर्थ होता है प्रसारित करना या प्रसारण करना। और डिस्ट्रीब्यूट का भी अर्थ होता है प्रसारित करना या प्रसारण करना। डिस्ट्रीब्यूट जो है एक वर्ब है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट पर आते हैं। तो ब्रॉडकास्ट जो है रेडियो या जो टेलीविजन पर जो कार्यक्रम चलता है उसका जो प्रसारण करते हैं उसके सेंस में हम ब्रॉडकास्ट का प्रयोग करते हैं। सर्कुलेट किसी इन्फॉर्मेशन या वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास के द्वारा जो हम पास करते हैं उसके सेंस में हम सर्कुलेट का प्रयोग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रसारित या वितरण करना, मतलब किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के बीच बांटना, प्रसारित करना या वितरण करने के सेंस में हम डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हमारा अपना लास्ट वर्ड आज का साइनोनिम्स का है इफॉन्ट्री। इफॉन्ट्री जो कि एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है गुस्ताखी या दुस्साहस। ठीक है, गुस्ताखी या दुस्साहस। इसका फर्स्ट साइनोनिम्स हो जाएगा इम्पुडेंस। इम्पुडेंस एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है गुस्ताखी। ठीक है, सेकेंड वर्ड है नर्व। नर्व। नर्व जो है एक नाउन वर्ड है, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है गुस्ताखी या दुस्साहस। लेकिन इसका एक अर्थ और होता है जो हम बायोलॉजी के टर्म में यूज करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से पास किया जाता है उस स्ट्रक्चर को हम नर्व बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड है इम्पेटिनेंस। ठीक है, इम्पेटिनेंस। ठीक है, इसका यह भी एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है गुस्ताखी या दुस्साहस। तो चलिए यहाँ पर हमारा साइनोनिम्स खत्म होता है, चलते हैं आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा फर्स्ट वर्ड है वन हु कैन नॉट बी कॉरेक्टेड, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, मतलब वैसी गलती जो अब सुधारने के योग्य न हो उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं इनकॉरिजिबल, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। सेकेंड वर्ड है फ्यूचर जेनरेशन। फ्यूचर जेनरेशन का अर्थ होता है वैसा जेनरेशन जो आने वाली है। ठीक है, जो आने वाली जेनरेशन को हम फ्यूचर जेनरेशन कहते हैं, जिसका सिंगल वर्ड हो जाएगा पोस्टेरिटी। ठीक है, पोस्टेरिटी मतलब भी होता है फ्यूचर जेनरेशन। आगे चलते हैं तो हम नेक्स्ट वर्ड है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसका वन वर्ड हो जाएगा इम्प्यूनिटी। इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब वैसा वे लोग जो पनिशमेंट से मुक्त हैं या वो कार्य जो पनिशमेंट से मुक्त है उसे हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट रीजनिंग पावर ऑफ माइंड, मतलब हमारे दिमाग का जो तर्क शक्ति होता है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल से बना है इंटेलेक्ट। ठीक है, तो रीजनिंग पावर ऑफ माइंड उसे हम क्या बोलते हैं इंटेलेक्ट। आवर आवर नेक्स्ट वर्ड इज साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, मतलब वैसा साइंस जिससे हम डेट को फिक्स करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी। वैसा वैसी साइंस जिस साइंस के माध्यम से हम अपने डेट को जो ज्योतिषी होते हैं वे दिन को जो फिक्स करते हैं ये कि ये दिन शुभ होता है ऐसा अशुभ होता है, तो वैसे साइंस को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं और फिर से कल से
चालू करेंगे अपने सीरीज को, और यदि आपको लाइक अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वीडियो कैसी है, और इसमें क्या क्या कंटेंट और डाला जा सके, इसके टाइम को बढ़ाया जा सके या बस यहीं पर रखा जा सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।